सबकी नज़र किशनगंज लोकसभा पर है। आज हम चाय की दुकान पर इस वक्त मौजूद हैं और जानना चाहेंगे लोगों से क्या माहौल है, क्या माहौल है आपके यहाँ चुनाव? नहीं, माहौल तो बहुत बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहेंगे इंशाल्लाह, और आगे चल के और भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। इस बार क्या कांग्रेस का? नहीं, हम लोग तो पतंग छाप में हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। इस बार तो लहर कांग्रेस का चल रहा है? नहीं, कांग्रेस का भी चल रहा है, हमारा पतंग भी चल रहा है इंशाल्लाह, पतंग सबसे ज़्यादा रहेंगे इंशाल्लाह आगे। किसका सरकार आपको चाहिए इस बार? एम आई एम का सरकार चाहिए तो नहीं बनेगा वो, मगर क्या बोल रहे हैं जी? MP हम MIM का चाहते हैं। सरकार किसका चाह रहे हैं? सरकार किसी का भी बने, क्या बोले, कांग्रेस का किसी का भी बने, ऐसे BJP का भी बने, किसी का भी बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे हम MIM का कैंडिडेट चाहते हैं किसान। आपका वोटर लिस्ट में नाम है? नाम ही नहीं है तो क्या करेंगे, लेकिन चाहते हैं, सपोर्ट करेंगे MIM को, जनाब अख्तुल इमान साहब को चाहेंगे इस बार किशनगंज का, मतलब ये कोचाधामन विधानसभा है और किशनगंज लोकसभा में आता है कोचाधामन विधानसभा, और लोगों से हम मिलेंगे इस वक्त, क्योंकि आप थोड़ा सा इधर घूमिएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अस्नेल। क्या रुझान लग रहा है, क्या माहौल है? हम लोग MIM में वोट देंगे। पिछले दफा विधानसभा चुनाव में किसको वोट दिए थे? उसी को दिए थे, MIM को। इस बार भी विधायक जी तो चले गए RJD में, जहाँ जाए, लेकिन हम लोग वोट देंगे उसी को। दीजिएगा, मन बना लिए। कोचाधामन से तो मुजाहिद साहब भी आए हैं, नहीं देंगे उन लोग को, तीरछाप है उनका, इसी को नहीं देंगे, उसी को देंगे। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल गनी। क्या करते हैं जी? घर में रहते हैं। 26 तारीख को मतदान है लोकसभा चुनाव का जी, क्या ख्याल बनाए हैं, क्या मन बनाए? बिल्कुल, हम लोग का तो सोच एक ही है कि पतंग साहब को वोट देंगे इंशाल्लाह, अख्तर साहब को कामयाब करेंगे यहाँ से। अख्तर साहब को पसंद क्यों कर रहे हैं? क्यों, वो हर एक चीज़ के लिए बेहतर है, वो हम लोग के लिए बहुत बेहतर है। यहाँ इस होटल में आए हैं सब, अख्तर साहब का नाम ले रहे हैं, आखिर पसंद क्यों कर रहे हैं? भाई वो हमारे लिए वो सोच रहे हैं, तो हम क्यों नहीं उसके लिए सोचें भाई, मेन मुद्दा ये है सबके लिए आवाज़ जी, इसीलिए लोग चाहते हैं। अच्छा, हम एक बात बताएं कि इस वक्त जो है क्या लग रहा है कि इस बार पतंग जीतेगा? जी इंशाल्लाह जीत जाएगा इस बार। तो चार विधायक तो संभालने नहीं पाए, वो चार से कोई मायने नहीं रखता ना, कोई पंचायत अध्यक्ष या सचिव कोई भागा उसे, सिर्फ वो विधायक भागा ना, वो चार समझ लो चार वोट कम हुआ है, विधायक जाने से क्या हो गया। चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। क्या बाबू, क्या कर रहे हो? चलिए और आगे निकलेंगे हम इधर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शाहिद आलम है। लोकसभा चुनाव का जो है 26 तारीख को मतदान होना है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? अब देखने को आपके यहाँ कौन कौन उम्मीदवार है, मालूम है उम्मीदवार का नाम? उम्मीदवार का नाम तीन मालूम तो है। कौन 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 उम्मीदवार का नाम बताइए तो? आए कौन उम्मीदवार है? अख्तर मैम जे अख्तर वारवा जे मुजाहिर मास्टर से। अच्छा, वारवा जे की नाम से जाविद। तीनों में कौन अच्छा कैंडिडेट है आपके नज़र में? कैंडिडेट तो यही अच्छा है अभी। अच्छा, कौन हाँ, है क्या अख्तर साहब? हाँ, पहले वोट दिए थे उनको जी। आपका क्या नाम हुआ चाचा? छोड़िए अभी, सुनिए ना अभी थोड़ा सा, अभी हमको खाने दिए, खाने दीजिए, खाइएगा पहले होटल में। तो दोस्तों, इस वक्त जो है चुनावी माहौल गर्म है, और जैसा कि आप देख रहे हैं लोग होटल में मौजूद हैं, और ख़ासतौर पर जो लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं। अब 26 अप्रैल को मतदान होना है, और यहां पर जो है किशनगंज लोकसभा इस वक्त चर्चे पर है। लगातार आप द मैसेज न्यूज़ देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर करना ना भूलें।